गाइस वेलकम बैक टू माय नदी ब्लॉक और करंट भरूच जो कि पूरा नर्मदा जी के तट पर बसा हुआ शहर है ये वाला। अब हम करेंगे माँ नर्मदा जी का दर्शन और कराएंगे साथ में आपको भी, तो बने रहिए मेरे साथ। माँ नर्मदा जी कितनी उफान पे है और कितनी शांत सुबह में आज आपको दिखाते हैं। गाड़ी एक्चुअली दो दिन से डेली लेट हो रही है, इसके कारण हम माँ नर्मदा जी के दर्शन दो दिन से कर रहे हैं। सिर्फ उसमें सिर्फ हम उसमें ना गोता नहीं लगा पा रहे, अगर गोता लगाएंगे तो नीचे उतर के जाना पड़ेगा जो कि हमारे लिए मुश्किल का काम है। कभी लगाएंगे तो आएंगे। देखो गाइस फ्लॉक्स भर दीजिए, जय मां नर्मदा जी। देखो गाइस यहाँ पे ना काम रेगुलर चलता है, रेगुलर। ऐसा कोई नट भी इसमें दोबारा फिटिंग नहीं करते हैं जिसका दो यूज हुआ हो। और गाइस इतना बड़ा शहर और इतनी बड़ी नदी जिसके तट पे बसा है भरूच शहर, स्थिति आपको दिखाता हूँ। नीचे की स्थिति है अभी, यानी कि इसके अंदर अभी पानी है लेकिन इस जगह पर अभी पानी नहीं आया। गाइस नीचे देखते हैं तो मेरे को डर लग रहा है एकदम, बिल्कुल अभी कम लग रहा है, जब पानी आएगा ना तो ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि है ना देखो पूरा भरूच शहर इसी किनारे बसा हुआ। देखो ये देखो, अब जब नदी चढ़ती होगा ना तो इन लोगों का क्या हाल होता होगा ये तो हम इनसे पूछेंगे कभी। जय नदी। इधर से कटो आए नदी, क्योंकि ना पुल नहीं है, अभी पुल चढ़ेगा ना तो देखना नदी का भाव कितना तेज होगा। भाव के भाव क्या पुल ले रहे हैं देख सकते हैं ये लोग भरमट कर रहे हैं। कितने पुल है भरूच पे आपको दिखाता हूँ, एक तो सामने आपको दिख रहा होगा वो वाला पुल एक, और एक ब्रेक ये ब्रेक चल रहे हैं और साइड में भी एक पुल उधर साइड दिख रहा होगा आपको डबल लेकर साइड का रेलवे का पुल है वो। नाव नाव तो चला ही रही है वो नाव, और दो पुल उधर है। अभी कितना गंदा पानी है लेकिन इसमें, लेकिन अच्छे से बरसेगा ना पानी, ऊपर ऊपर से आएगा पूरा क्लीन हो जाएगा। बस जगह का पानी जो ऊपर कहता है ना, हाँ इसलिए गंदा रहता है। करीब एक किलोमीटर लंबा ये पुल हमने पार कर लिया है, कुछ ही देर में पार कर लेंगे। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में एक बार मार डालते जरूर 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 लिखना। देखो ये क्या सीन था, भाई चलो भाई बोलते हैं भाई। देखो सुबह सुबह काम करने चल रही है लोग, नहीं कि आप पटलियों के किनारे कुछ घास काटेंगे, कुछ लिट्टी से जुटाएंगे, कुछ का अपना कैसा काम, कुछ का अपना कैसा काम, सब अपने काम में लग जाए। तो आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो आपको कैसी लगी और माँ नर्मदा जी के दर्शन करने कैसा लगा। मेरे को तो अच्छा लगा, दो दिन से रेगुलर कर रहा हूँ। फाइनली एक कांड हो गया था इसी ट्रेन के कारण, एक शेर नीचे आ गया था उसकी मृत्यु हो गई, इसके कारण दो दिन से गाड़ी लेट लेट हो रही है। देखो ना 6:30 के टाइम और अभी 9 बजे हुए तो ना भरूच पे पहुंची है, अभी यहाँ से 1 घंटे का सफर और भी है तब हम सूरत के अंदर पहुँचेंगे। तो बस इधर पानी का तेज बहुत ज़्यादा है, रात का मौसम बड़ा बेईमान है, इतना गलत मौसम नहीं है। देखो क्या लुक लग रहा है ना,